शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अरे लेकिन कोई काम नहीं किया तो वो लोग भूख से मर जाएंगे, बात करते हो। आज तक 5 स्टार को मैं सिर्फ गुजरते हुए बस से देखा। हमारी लाइन में जेल जाने का चक्कर तो चलता रहता है। जितने भी आउटलाइन काम है ना सर, सब होता है इधर। साहब, क्या लंग साहब? खाने में क्या क्या है? चिकन में चिकन हांडी, चिकन पठानी, चिकन लखनवी, चिकन कढ़ाई, मटन में मटन कोफ्ता, मटन मसाला, मटन मुगलाई, कीमा में कीमा पाव, कीमा घोटाला, कीमा फ्राई, ठंडे में केसर फालूदा और रसमलाई, और गरम में नॉर्मल स्पेशल मसाला कॉफी और चाय। बोलिए क्या लाऊं साहब? ठीक है, ऐसा करो फटाफट एक कटिंग चाय लेके आओ। ये मंगिया, हाफ कटिंग मार उस फुक्के को। ये आपका बिस्किट सर, ये आपका अंडा। हाँ सर, क्या लेगा सर? खिचड़ा है? मिलेगा सर, बट आफ्टर 7। एक प्लेट हलीम लिया। वो भी मिलेगा सर, वो थर्सडे को मिलेगा। तो पाया मसाला लिया? पाया मसाला वो था सर, वो फिनिश हो गया, खत्म। तो मेरे बाप, तू ही बता मैं क्या खाऊं? मिसल पाव खाना सर, वेरी गुड सर। थोड़ा सा वो उसमें वो शेव और काजू थोड़ा फिनिश हो गया, बाकी फर्स्ट क्लास है सर। मैं ऑर्डर करता हूं। अरे ए, ए, एक मिसल पाव आ रही। सॉरी, अभी मैं और क्या बोल सकता हूँ। लेकिन फिरोज भाई, सालों से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और अरे वो 99 इयर्स का जो लीज था ना, अभी वो खलास हो गया। वो गधेड़ा लैंडलॉर्ड है ना, उसने इसका कॉन्ट्रैक्ट किसी बर्गर हॉट वाले को दे दिया है। बर्गर हॉट में हमको नौकरी मिलेगा ना साहब? चुप, पत्थर ठोके जा बाबा। अरे मैकडोनाल्ड, पिज्जा हट, कॉफी कैफे, ये सब जगह पर अभी कॉलेज का लड़का लोग वेटर का काम करता है। यंग एंड एजुकेटेड, जो तुम लोग नहीं है। जमशेद जी, मोंटो, बबलू आनी बैनी, अभी तुम लोग को कोई तो भी नया जॉब ढूंढने को पड़ेगा। इस बर्गर हट ने तो हमें हटा दिया, अब क्या करें? अब क्या करने का, हम लोग भागेंगे नौकरी के पीछे और क्या? लाबू, कितनी प्यासी लग रही है आज तू। फिकर मत कर, तुझे प्यासा नहीं रखेंगे। अरे मेरी कजरी, तू मुंह लटकाए क्यों बैठी है? ये तेरा बबलू है ना, बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। बबलू, ए बबलू! अरे वो बबलू, बबलू! तू तू पता पता मुंह मीठा कर, आर मीठा देख के कान लाग गए। अब पूछ क्या हुआ? अब पूरी पूरी। वेलकम टू द प्राउड फैमिली ऑफ द मिराज ग्रुप ऑफ होटल्स, मिस्टर बेनी, दिस इज योर अपॉइंटमेंट लेटर। We are delighted to have you as the bellboy. नौकरी वो भी 5 स्टार होटल में, क्या बात है! अरे वो दालमे अंकल था, अरे ईरानी होटल में था ना दालमे अंकल, उसको रोज में मस्क का पॉलिश किया, थोड़ा नौकरी का गुजारिश किया, उसने जाके सिफारिश किया, और ये बेनी को तो अंग्रेजी तो आता ही है, तो थोड़ा आता ना, थोड़ा छोटा मोटा। हाउ आर यू ऑन ऑल दैट? मामला मिटो के रे पक्यो। अरे तू कह रहा ना नौकरी ढूंढने, क्या हुआ उसका बता? अब पता रे, नौकरी तो मुझे भी मिल गई है। गुंगरू, लेडीज बार, आज से यहाँ तेरी वेटर की नौकरी पक्की। जी जी जी, चल जा, कल से टाइम पर आ जा। हम समय से आधा घंटा पहले आ जाएंगे सर। क्यों, आधा घंटा पहले हमारी बार की शमियों पे लाइन मारेगा क्या? नहीं, 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 सर। बबलू, अगर तूने यहाँ किसी आइटम के साथ अपना पपलू फिट किया ना, तो पहले मैं तेरी टांग काटूंगा, फिर तेरी जांग, और फिर तेरी क्या? हाँ वो भी। अरे वो क्या नहीं रे, तू लेडीज बार में काम करेगा, वेरी इंडिसेंट प्लेस यार। अरे हमें कहाँ मिलेगा काम, और मैं तो तेरी तरह टूटी फूटी अंग्रेजी भी नहीं बोल पाता हूँ। अरे वो तेरा वो फैमिली है ना उधर दरभंगा, दरभंगा में, इधर जिला में, वो फैमिली को मालूम पड़ा तू लेडीज बार में काम करता है, वो शर्म के मारे मर जाएगा रे। अरे लेकिन कोई काम नहीं किया तो वो लोग भूख से मर जाएंगे, बात करते हो। यू माइंड इट, आई एम टेलिंग यू। अरे तुम आप को भूखा मार दे।
Good day, sir. I see. What are you saying, sir? अबे चांदनी चौक टू चाइना कभी देखा नहीं आईना? कितना देखेगा यार? लाइफ में पहली बार इतना अच्छा कपड़ा पहना रोनी. अच्छा क्या है, यूनिफॉर्म है इधर का, रेगुलर है. हाँ तुम्हारे लिए होगा रेगुलर. रेगुलर हाँ. तू सीनियर बेल बॉय ना. आज तक फाइव स्टार को मैं सिर्फ गुजरते हुए बस से देखा. पहली बार फाइव स्टार में खड़े रह के बस को गुजरते हुए देखेगा. आई एम वेरी लकी. आई एम सो आई एम फील जंपिंग. मारेगा क्या? लिसन, फॉरगेट योर इमोशन एंड एंजॉय योर प्रमोशन. अब चल चलना. व्हाट ए फिटिंग. ये फिटिंग विटिंग क्या कर रहा है? ये थोड़ा लंबा नहीं है साहब? प्रकाश भी लंबा था. कौन प्रकाश? जिसका ये कोट है. तो हम प्रकाश का कोट पहनेंगे तो प्रकाश क्या पहनेगा? कफन. क्या? मर गया. भेजे में ट्यूमर था उसके. सुन, कहीं तेरे भेजे में भी कोई? नहीं नहीं नहीं, तेरा तो भेजा ही नहीं है. ये ले पेन और ऑर्डर स्लिप और फटाफट काम पे लग जा. ये फिटिंग वीटिंग होती रहेगी. ये मरे हुए आदमी का कोट. बैंक्वेट हॉल जो है ना. नेगी मैनेजर. हे यू, कम है, कम है. तुझे बुलाया. निखिल, एक्स्ट्रा पैसे देने की क्या जरूरत है? आई. गुड नाइट टू यू सर. व्हाट? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. शट अप. व्हाट सर? नॉट टू, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेक. हु आर यू? आई एम द बेल. बेल? द बेनी द बेल बॉय. तुम कुछ ज्यादा लंबे नहीं हो. शुरू तो हो जाते हो, खत्म नहीं होते. कम ऑन, गो बैक टू प्लेस. हरे आप, कम ऑन. तो गरम, कम है. यस सर. तो गरम, तुम निखिल के पास जाओ. ओके सर. ओके निखिल, लिसन टू मी नाउ. नाउ कम ऑन, डोंट लुक एट माय फेस. मूव इट, डिस्पर्स, कम ऑन, गेट बैक टू वर्क. निखिल मेरी बात सुन. लिसन. आई एम गोइंग सर. व्हाट आर यू डूइंग फॉर गॉड्स सेक? व्हाट द हेल आर यू डूइंग? सॉरी सर. टेक दिस डैम टीशर्ट अवे. आई विल ट्रेन हिम. सॉरी सर. और देखो क्या हुआ एग्जीबिशन का. कम ऑन. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Benny, क्या कर रहा है? तोड़ेगा क्या? ये देख. ये? चल. चल. बैग निकाल के ला अभी. Bell boy. Yes, sir. अरे Benny, Benny क्या कर रहा है? नीचे रख. नीचे रख, नीचे रख. क्या कर रहा है? रुक रुक, ये देख. ये पकड़, पकड़. हाँ चल. एक्सक्यूज मी. यस सर. वानन. गुड इवनिंग मैम, वेलकम टू आवर होटल. नेरा शेजु लो हन प्याओ ल्यांग. शे शे. ओ या, ऑफ कोर्स, दिस वे प्लीज. यशीना मैडम, यहाँ की पीआरओ, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर. ये शीना मैडम को चाइनीज भी आता है क्या? वेरी गुड. अरे इस होटल में जितने लोग काम करते ना, उनको चाइनीज, जापानीज, कोरियन सब आता है. तू फिक्र मत कर, तू बहुत जल्दी सीख जाएगा. अरे मैं क्या, मेरा तो हिंदी भी ठीक से नहीं आता है. पुलिंग तिल्ली का सब लफड़ा है मेरा. अच्छा चल, तेरे को चाइनीज सिखाता हूँ. आजा.
घूम सकते, दिस इज अ फाइव स्टार यू नो। पता है पता है, मैं क्या करूं, मैं ये ट्रे रखना है और ये दरवाजा अपने आप बंद हो गया। व्हाट आर यू डूइंग, गेट अ डुप्लीकेट, गेट ओपन दिस डोर। ऐसा को गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। बेनी क्या कर रहा है, चल चल शेर नहीं है दरवाजा है, चल। ये हमारी हाउसकीपिंग हेड रिया। उसके पीछे कौन धरे? गेस्ट, कुछ कांड किया होगा। कम सा। सर ओवर हियर इज योर बाथरूम सर, एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बालकनी आउटसाइड विद अ वेरी वंडरफुल। यू कड़वले, सर द हाउसकीपिंग विल कम एंड गिव यू फ्रेश टॉवल सर राइट नाउ। यस सर, गुड डे सर। गुड डे, गुड डे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बेनी गुड डे सर। गुड डे सर। गुड डे सर। गुड डे सर। गुड डे। गुड डे। गुड डे मैम। क्यों सीख गया ना तू चाइनीज? देख बॉस, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, इधर ऐसे ही चलता है, सामने वाला अपने को कुछ भी बोले, अपने को सिर्फ स्माइल करने का। यहाँ पे सब लोग ऐसा ही करते हैं, भले सामने वाला अपनी लैंग्वेज में हमारी माँ को गाली दे रहा हो, लेकिन अपने को सिर्फ स्माइल करने का और बोलने का थैंक यू सर, गोली मार दो सर, थैंक यू सर। आई कांट बिलीव यू रॉनी, 100 रुपीस यार, आई लव दिस हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी ये बबलू आज से ही अपने बारे में काम करेगा। आइए आपका इंतजार था। ए, मैं तो तुझे बबलू चिकना बुलाऊंगी। नहीं नहीं, हमारा नाम बबलू चरण लाठी है। ओए बबलू है तू जी, बड़े होके क्या बनेगा? बबलू। क्या रे कमीनी, तू मेरे हीरो को फोन पे पटा रही थी ना? ए शानी, वो खुद तेरे को भाव नहीं देता करके मेरे पे फ्रस्ट्रेशन मत निकाल। चल रे साली, लेडीज बार के लूज कैरेक्टर। तू क्या किसी मंदिर का घंटा है क्या? तू कैरेक्टर ले, क्यों लड़ रहे थे? ये तो रोज का है, तू इस झंझट में मत पड़। हेलो खराब मत कर, नहीं तो दूंगी खींच के। अरे थोड़े देर के बाद खाऊंगी तेरी। चल चल चल। देखो बहन जी शांति रखो। क्या बोला तू? बहन जी क्यों, क्या हुआ? भोले बबलू, ये कुत्ती कमीनी हलकट यहाँ की आम भाषा है। बहन जी मत बोल, गाली लगती है। कुत्ती कमीनी हलकट, शांति रखो। उधर का लड़का लड़की लोग तेरे को मालूम नहीं, वो फिल्म में दिखता ना वैसा दिखता सब लोग, कम नहीं है वो लोग। हाँ और लेडीज, वो टीवी सीरियल में दिखता ना अलग अलग बिंदी लगा के, लिपस्टिक लगा के, या चकाचक वैसा। और मेरा काम क्या है बबलू? लगेज उठाने का। लगेज भी किधर उठाने का? लोल नीचे लोल 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 रोलर लगा रहता ना, वो पकड़ने का, जिंग डिंग डिंग जाने का, रूम में रखने का, फिर चाइनीज है कोई भी है इंडियन है उसको बोलने का गुड डे सर, गुड डे मैम, उसके बाद ये टिप मिलता रहे बबलू। पुलाव जल गया, उठा 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 उठा, ये सब उठा रहे, जल्दी उठा। अरे अरे तेरा पहला दिन था ना रे, हाँ कैसा था? ए चुप रे, सब बोला, बोल क्या हुआ? वहां सपने जैसी कोई बात नहीं, सिर्फ जिंदगी की हकीकत। ये लोग भी भगवान की आरती करते हैं बेनी, फर्क इतना है कि लोग सुबह सुबह और ये लोग शाम को 9:30 बजे तक, जब तक बार में गेस्ट आना शुरू करते हैं, तब लड़कियां मेकअप रूम से फ्लोर पर एंट्री मारती हैं।
ऋचा इसको ढील मत दे। हाँ देख नहीं रही शक्ल पे लिखा है मैं लुखा हूँ। ये पैसे उड़ाने वाली नहीं सिर्फ पैसे दिखाने वाली पार्टी है। कोई दूसरा ढूंढ। मेरी फरमाइश जा। फरमाइश रोशनी तेरे वाले ने फरमाइश भेजी है। जिया पे करार है छाई बहार है। उस साले को बोल जाके कि नोटों की गड्डी निकाले नहीं तो दूसरा तैयार है। नाम क्या है? सोनी। क्या सोनी? सोनी नहीं कोई होनी। तेरा नंबर देना। तू अपना नंबर दे मैं फोन करी। पक्का करी। जब देखो ये सोनी रैपिड फायर राउंड खेलती रहती है। एक दिन ऐसा बजर बजेगा ना कि घर पे बैठ के सिर्फ सोनी टीवी देखा करेगी। कितने बजे फोन करोगी? सो के उठेगी ना 4 बजे फिर करेगी। ये ले क्या गया कॉला करका चूजा कहीं का। चंपू साला क्यों बे 10-10 के नोट गुल्लक फोड़ी थी आज क्या? नंबर दीजिए ना। क्यों हैरी पॉटर तू मेरे बाप के दहेज में आया क्या? नहीं वो क्या है कि हम कहीं मिलेंगे डिस्क्रीज जाएंगे और फिर साथ में नाचेंगे भी। मैं बच्चे के साथ नहीं नाचती। बच्चे के साथ? आप प्रेग्नेंट हो? इसकी माँ की आँख। चल दारू पी। चल सुन जी नंबर दे। हमारे पास मोबाइल नहीं है साहब। अरे ढक्कन तेरा नहीं उस पर्पल वाले का नंबर दे। वो तो हमारे पास नंबर नहीं है। मैं दूसरा लाता हूँ। अरे ये क्या हुआ? अरे अरे क्या बताऊँ घबराहट में गिर गया। दूसरा ला के दे दो ना। क्या पागल है यार। ए झंडू इधर आ। वो खजूर क्या बोल रहा था? आपका नंबर मांग रहा था। दिया ना? नहीं नहीं हमारे पास कहाँ है नंबर आपका। और हमारे पास होता तो भी हम नहीं देते। तू मेरा नंबर शाहरुख खान को देगा क्या? ये ले। अब बस मेरे छोटा रिचार्ज जी नंबर लेके आया जी जी 500 हैश कर। ₹500 का टिप। टिप अच्छा मिला ना? आई वेरी गुड रे बबलू क्या बात है। वैसे हर बुरे काम का पहला पहला अच्छे होता है। बुरा ऐसा नहीं रे मतलब मैं तेरा दोस्त है इसलिए बोल रहा है। आप तो क्या है वेटर के रूप में सप्लायर बन गया। नहीं नहीं मैंने तो कोई लड़की को सप्लाई नहीं किया। लड़की नहीं रे वो क्या है नंबर सप्लाई किया ना इसलिए बोला मैंने। वेरी गुड है 500 रुपीज का टिप वेरी गुड है। एक बात बता मेरे को तेरा बार में कितना लड़की लोग रहे? 12-15 होंगी। इतना लोग है क्या? अरे तो रोज तू अगर 10-15 तू नंबर दे देगा ना सप्लाई करेगा ना तो 3-4 साल में तेरा वो एक डेयर बार खुद का खोलेगा तू। है उसके बाद तेरे को है बबलू ना कैसा है ऐसा बोलेगा। हम तो ईमानदारी से ड्यूटी अपनी कर रहे थे बस। वो तो ठीक है रे ईमानदारी से ठीक है। द्रोगेंद्र पढ़ के ले नवेंद्र पूर्व पुत्र आम टपा क्या? वो तो सुन लिया क्या? क्या बोले वो? ऐसी कैसे उसको हिंदी में बोलेगा वो भाईमानी का बिस्तर पे ईमानदारी का चादर फैलाने से कुछ होता नहीं है ऐसा रजनीकांत ने एक फिल्म में बोला तो मैंने भी बोल दिया ऐसी। चलो गुड नाइट। हाँ वो 500 रुपीज वेरी गुड है टिप। शाहनवाज साहब
माना सूरत में रहते हो पर कभी हमें भी तो सूरत दिखाओ। हेलो हेलो हाँ नहीं नहीं बोलो बोलो। अपने कस्टमर्स के साथ साथ इस लिफ्ट को भी खरीद लिया है क्या तूने? सारे बिल्डिंग का माहौल खराब कर दिया है। ए हेलो, अगर तूने लोखंड वाला में पैसे देके फ्लैट खरीदा है ना, तो मैंने भी लोखंड देके नहीं खरीदा है। एंड व्हाट आई डू इज माय पर्सनल प्रॉब्लम। ओके पर्सनल पब्लिक प्रॉपर्टी टॉकिंग अबाउट बीइंग पर्सनल। हेलो एक्सक्यूज मी रिया, बस करो जाने दो ना। और बेटा तुम भी बुरा मत मानना प्लीज। जा ना, तेरे को जल्दी है ना, जा जा। सॉरी बेटा। आंटी प्लीज। ये मेन साहब की गाड़ी है, इस गाड़ी के लिए पता नहीं कितने लोगों को सड़क पे ले आए होगे। और ये यहाँ की मैनेजिंग कमेटी कोई कदम नहीं उठाएंगे। और उठाएंगे भी क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री शो भी दिखाती होगी। माँ, इन लड़कियों को जवान हो या बुढ़ा क्या फर्क पड़ता है? जाने दो रिया, क्यों अपना मूड खराब करती हो? अच्छे मूड से ऑफिस चली जाओ। पहले लिफ्ट के लिए वेट किया, आप बस के लिए लेट हो रही है ना? लिफ्ट चाहिए बेबी। गेट लॉस्ट मंकी फेस। Hey Sheena, you're still at home? Look what I got here, City Club membership form. कमाल की स्कीम है, हर तीन महीने में 5 days और 4 nights का टूर पैकेज। और उससे कमाल की चीज है ये, उन्होंने अपनी सारी लोकेशंस को इस डीवीडी में डाल के रखा है। चलो हम देखते हैं और बुक करते हैं। कम आशु, एवरी अदर डे तुम कोई ना कोई हॉलीडे स्कीम लेकर आते हो, लेकिन होता क्या है? पिछली बार भी लेकर आए थे ना, खुद भी को इसकी ईएमआई भरने के लिए ना हम डे एंड नाइट काम करते हैं। डे शिफ्ट में तुम काम करते हो तो नाइट शिफ्ट में मैं, एक आता है तो दूसरा जाने की तैयारी करने लगता है। अरे लिसन, लुक 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 स्वीटहार्ट, अरे इस तरह की ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए लाइफ में कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। लाइफ की बात कर रहे हो आशु? कहाँ है लाइफ? लाइफ साथ रहने से होती है, फैमिली शुरू करने से होती है। वी हैव नो फैमिली, वी हैव नो लाइफ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम आए हो और मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। अरे बट लिसन, अरे डीवीडी तो देखती जा। जब शीना मैडम को गाड़ी से उतरा ना, तो रॉनी रॉनी का चेहरा देखने के साथ लाल हो गया टमाटर जैसा। अच्छा भी है जलस हो गया। लेकिन अब क्या है ना बबलू, मेरे को रोज शीना मैडम लिफ्ट देगी। अरे बहुत बढ़िया। अरे बढ़िया क्या, तू हार गए इधर। अरे साला नहीं, 1990 का गाना गाता रे, 2010 इधर। अरे बेनी, इस गाने बहुत बड़ा हंगामा हो गया। क्या बोल रहा है तू? तेरे लेडी बल में क्या हंगामा होगा? सब उधर रेगुलर। हाँ रेगुलर होता है सब कुछ उधर। क्या बोल रहा है तू? क्या हुआ रे बारे में? नहीं, हमारे बारे में एक कस्टमर आता है एकदम बुड्ढा बोकाड़िया। अरे ये बेसुरी आवाज में किसी की मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। हम सच कहते हैं, बोकाड़िया साहब की आंखों में आपके लिए प्यार साफ साफ दिखाई देता है। आख थू थू। ये नहीं बदलेगी बबलू, बहुत शानी बातें करने लगा है आजकल तू। चचा का सच्चा प्यार तो देख लो, दोनों पैर कब्र में लटके हुए हैं। अरे ये तो कुछ भी कहे, हम सच कहते हैं। ए बबलू, उस बुड्ढे को खुद अपनी आंख से साफ दिखता नहीं, तेरे को प्यार कैसे दिख गया? प्यार करता है ना आपसे, वो भी सच्चा प्यार। छोड़ना यार उस बुड्ढे के बारे में। देख सोनी, सही बोल रहा है बबलू, बुड्ढा हुआ तो क्या हुआ, दूसरे के जैसे सिर्फ मुंह मारने की नहीं सोचता है ना। हाँ यार, बाकी का लड़का लोग तो क्या खाली जलवा देख के हलवा खाने की सोचते है ना। हाँ यार, रात गई बात गई वाले जैसे। दे दिया ज्ञान। सोनी, आशिक तो यहाँ बहुत मिलेंगे, पर ऐसा पलकों पे बिठाने वाला ना नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा ना, इनको पलकों पे बिठाने वाला मिलेगा। कैसे लोग मालूम है क्या? ये पॉकेट मार है ना, ये मावाली, ये चोर, ये चार सिगर से लोग, ऐसा लोग मिलेगा इनको। ये लोग सोच कैसे सकता रहे इनको एक्चुअल में प्यार करने वाला लोग मिलेगा करके? अरे ऐसा कैसे बोल सकते हो, प्यार तो अंधा होता है ना। देख प्यार करके मेरे को मालूम नहीं, तू इमोशन में अंधा हो रहा है, गारंटी है। ये जगह तेरे लिए ठीक नहीं रहे बबलू। मैं ना शीना मैडम से बात करके हमारा मिराज होटल में एक तरह को नौकरी दिलाएगा, तब तक तो अपने को संभाल। अरे ये चक्कर में मत पड़ रहे घर भर बसाने का, कुछ नहीं होने वाला था लाइफ में। मेरा साथ के 400 सोफे और टिकूट के वॉल यूनिट का क्या हुआ? हाँ सर, शाम तक डिलीवरी हो जाएगी। शाम तक डिलीवरी हो जाएगी? शाम को पूछूंगा तो बोलेगा रात तक, फिर कल सुबह तक। देख सलीम, तुझे एक बात क्लियरली बोल देता हूँ, तू नया नया अपॉइंट हुआ है, मुझे काम में लापरवाही और आलसीपन बिल्कुल पसंद नहीं, समझ गया? जी सर।
एसटी सर, तू राजू के साथ मिलकर डिस्प्ले में अपने बिन बैग्स और रॉकिंग चेयर लगा दे। ओके सर। सब कुछ बोलना पड़ता है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ पहुंच। काम में कितने परफेक्ट हैं, लेकिन कितने स्ट्रिक्ट हैं, और कितना धौंस जमाते हम पे। घर में शायद बीवी कुछ बोलने नहीं देती होगी ना, इसलिए पूरा गुस्सा हम पे निकालते हैं। उनके घर पे कोई नहीं है, बीवी और बच्चे कई साल पहले एक्सीडेंट में मारे गए। क्या? हाँ, लाइफ तो ऐसी है, जो दिन रात दूसरों का घर सजाने में लगे रहते हैं, होम स्वीट होम, वो अपने घर में बिल्कुल अकेले हैं। आँखियों से करके इशारे। हाय 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 हाय। दिल को चुरा लेंगे तुम्हारे। आँखियों से करके इशारे। ओए मैं मर जाऊँगा गुड़ खा के। चुरा लेंगे तुम्हारे। आँखियों से करके इशारे। गए गए गए। खोलो 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 जल्दी खोलो दरवाजा जल्दी 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 कमले साहब कोई नहीं है यहाँ पे। चले। हेलो
जे तुम बेर कर देते गाली डॉली मैं तेरे जाने जाना डॉली साले सैटरडे नाइट मनाते मनाते संडे मॉर्निंग हो गया डेढ़ बज गया माइता है तुला साहब वो गलती जिस तू अभी तक कस्टमर को सर्विस दे रहा था जी सर जी सर कानून तोड़ता है अरे कामले साहब जाने दो ना ए चिको सब लोग का बिल बना चल साहब अभी दो मिनट में क्लियर करवा देता हूँ अरे भाई चलो चलो उठो उठो सब लोग फटाफट चलो पी तो रहे कोई गुनाह थोड़ी कर रहे भाई बार में बैठ के पीने का परमिट है तेरे पास अरे परमिट की क्या जरूरत है भाई ए जादो चल हाथ के ए चल अरे चल अरे भाई क्या कर रहे हो शर्ट तो चलो भाई चलो 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 जल्दी हेमा चलो ईशा पायल कडोरा चलो जल्दी निकलो यहाँ से जल्दी फटाफट निकलो चलो बबलू कैसे कोई कानून तोड़े बिना यहाँ कमाएगा रात 9:30 के बाद लड़कियों को यहाँ काम करना अलाउड नहीं है मुंबई में 9:30 से पहले कितने लोग बार में एंट्री लेते हैं वो भी सिर्फ 4 लड़कियां अलाउड है अरे इस लेडीज बार की वजह से सिर्फ इन लड़कियों का ही नहीं कहीं औरों का भी पेट भरता है पता है जैसे ये वेटर ये छोटू नीचे खड़ा दरबान रिक्शा वाला दर्जी वो चूड़ियों वाला पर ये बात इन्हें कौन समझाएगा छोटा बार चलाते हैं ना हम लोग रात 1:30 पुलिस ने बोला बार बंद मतलब बंद लेकिन ये पुलिस वाले छोटे बार वालों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं क्योंकि 5-star में घुस नहीं सकते वेलकम टू होटल मिराज ये बंदा खुश तो है ना यस सर ही इज आवर वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट्स ओके इसकी कंपनी के सारे सेमिनार्स जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस है हमारे होटल में होते हैं राइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट फॉर अस सर ये देखिए ये कुछ बॉलीवुड की गिनी चुनी एक्ट्रेसेस हैं इनके नाम और रेट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में सर आप सिर्फ उंगली रख दीजिए आई ऑर्गेनाइज इट शिल बी ऑर्गेनाइज सर ये ओह ग्रेट चॉइस ग्रेट चॉइस अभी भी इसकी हॉरर फिल्म रिलीज हुई 3rd लीड में शिल बी ऑर्गेनाइज ए लाल रुमाल इट मींस पेट सर्विस मेरा काम तो हो गया व्हाट अबाउट यू यू लकी फॉर मी आई चेक आउट माइंड ब्लोइंग फिगर है ना फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जिस पर आपका दिल फिदा है वो शादीशुदा है She is my wife. She is hot, isn't she? नहीं वो नहीं. Yeah, I mean. मैरे? Yeah. There she is. Business वगैरह होगा कुछ? हाँ मुंबई में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के कई शोरूम. तो फिर तो सेल वेल वगैरह लगी रहती होगी ना? Exchange offer की schemes? हाँ बिल्कुल आप अपना पुराना टीवी लाइए और हमारे ब्रांड न्यू प्लाज्मा के एमआरपी पे 15,000 रुपए ऑफ मैं टीवी की नहीं स्वीटहार्ट ए गाइस हाय हाय बाय गुड डे गुड डे गुड डे सर हाय
काम। ए रोनी, देख वो लड़का कैसे बाहर निकल रहे, देखो। अरे बड़े बाप का बेटा है, बाहर तो निकलना ही था ना उसे। छोटा सा क्राइम किया था उसने बेनी। क्या? थोड़े से ड्रग्स लिए थे और दो लोगों को उड़ा दिया था बस। भाई ये छोटा क्राइम है ये? हाँ। अभी ये ड्रग्स मिलता किधर रे? बेनी, आर यू ब्लाइंड? तूने अभी तक कुछ देखा नहीं, कुछ सीखा नहीं? अरे ये सब ड्रग्स अंदर इस डिस्को में मिलते हैं। यहाँ पे लाइट्स और म्यूजिक कम और ड्रग्स ज्यादा होते हैं। हमारे होटल में कोई ड्रग्स मिलते हैं? हाँ। तो हम लोग मैनेजर को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते? तेरे को लगता है मैनेजर को नहीं पता होगा? मैनेजर को मालूम है। और क्या? तो फिर वो एक्शन क्यों लेता रे? इन्फॉर्म करना चाहिए पुलिस को। अरे बताता हूँ, देख अगर यहाँ पे ड्रग्स आने बंद हो गए तो इस डिस्को में आएगा कौन? अरे एवरीथिंग इज कनेक्टेड बेनी। इन लोगों को अपने प्रॉफिट के अलावा और किसी चीज से मतलब नहीं है। इतने परेशान क्यों हो? खाना भी नहीं खाया, लगता है गैस हो गई। लो ये चूरन खा लो। क्या है रे? अरे चूरन। अच्छा मेरे को लगा मिठाई है रे, बांटते फिर रहा है ना तू। ठीक है, नींद आएगा तो सो जाएगा मैं। हाँ पता है। ये लाल तेल है, ठंडा ठंडा कूल कूल लगा के सोना, सब ठंडा हो जाएगा। मेरे सर पे क्यों कड़ा है रे तू? सोने तो दोगे? मेहरबानी। अरे जरा इसमें तिली भी लगा देना, जरा कछुआ छाप है। लगाता। हा भगवान, तेजाइला कितना अजीब इंसाफ है देखो हमारे देश में है? एक आदमी अगर कोई पेड़ काटेगा ना तो लोग बोम्बा बोम करता है, कुत्ते को या जानवर को मारेंगे ना तो लोग हंगामा खड़ा करते हैं, लेकिन इधर किसान आत्महत्या करेगा तो किसी को कुछ बड़ी नहीं है। अब आज से आगे कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो भगवान मुझे माफ कर दे, मैं अपने कर्तव्य में चूक रहा हूँ ऐसा मुझे लगेगा। किसानों के हक के लिए लड़ते नेता राजनाथ गायकवाड़ के साथ मैं रमेश ठाकुर। हमारी नई सदी की जवान पीढ़ी के लिए ड्रग्स किसी खतरनाक फैलते वायरस से कम नहीं, मैं इसे हर हाल में रोकने की कोशिश करूंगी। मैडम तो मेरे होटल में आता है ना। हे बबलू, अरे वो है? क्या हुआ? उधर मैं सोने की कोशिश कर रहा है, तू खराटे मारता है। इंसान क्या जानवर सो नहीं सकता इधर? खराटा ना है। फिर कराटा आया? पहला कराटा था, अब हंसी आ गया तेरे को, ऐसा गमछा लगा के सोता रहा तू। भाई सो जा सो जा सो जा। सॉरी सर, लेट हो गया। चमना पार्लर गई थी। हाँ। सिर्फ रात में ही नहीं, दिन में भी थोड़ा आउटडेट लगना मांगता है ना। अप टू डेट। अरे हाँ रे, वो इच वो इच। अच्छा बोल ना, पिज्जा खाएगा? चार टुकड़े वाला खाएगा कि आठ टुकड़े वाला? आहिस्ता आहिस्ता ईशा। अरे हाँ रे, आहिस्ता इच खाएंगे, मुझे जल्दी नहीं आज। नहीं मेरा मतलब है आहिस्ता बात करो। क्यों, मेरे आवाज का वॉल्यूम ज्यादा है क्या? बहुत चिल्ला के बात कर रही है मैं। नहीं नहीं नहीं, तुम चिल्ला के बात नहीं कर रही हो। वो क्या है कि रात में लाउड म्यूजिक में बार में तुम लोगों को चिल्ला के बात करना पड़ता है, समझ रहे ना? इसके लिए तुम्हारा टोन ही ऐसा है, और कुछ नहीं। अच्छा रे तू लड़का, मेरे को फील नहीं हो इस वास्ते कितना प्यार से समझा रहा है। तू मुंबई का नहीं है ना? दिल्ली से। कई साल से हीरो बनने की चाहत थी तो मैं फिर। खुजली बोल खुजली। वैसे हीरो माफिक दिखता है रे तू। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर की बात चल रही है। अरे एक मिनट एक मिनट, उठ उठ। अरे उठ ना। उठू? हाँ। अरे अंडा क्यों लेकर आई है? अरे नजर नहीं लगे इस वास्ते, मेरे को भी बहुत और लगता है रे पर्स में ऐसे अंडा लाने का, लेकिन पड़ोस वाली चाची ने कसम दी है कि अंडा पर्स में रखने का। रिलैक्स। वो क्या है ना, किस्मत ने पहले इतना नजर मारा है, मैं वापस चानस नहीं लेना चाहती थी। हाँ, इसलिए कोई भी प्यारा मिले घुमा दो। एक मिनट। अरे घुमा घुमाना, एक मिनट, लोग देख रहे। अरे प्लीज। अरे हो गया हो गया। पिज्जा खाए? Yeah. क्या बात है बेनी, रोज तो इतनी बातें करते हो कि मुझे अपना रेडियो ऑफ करना पड़ता है। आज इतने चुप हो?
नहीं मैडम, दो तीन दिन से मेरा वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मैडम। क्यों, क्या हुआ? अपना होटल में एक वो तेजवानी मैडम आता है, मालूम है आपको? मिसेस तेजवानी? हाँ जानती हूँ। उनको मैंने कल वो टीवी पे देखा, वो ड्रग्स किक्स के खिलाफ बहुत बोल रही थी मैडम। वो मैडम आपको मालूम नहीं, अपना होटल में ये ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट है मैडम। नहीं मैम, झूठ नहीं बोल। पता है बेनी, आपको पता है? मैं जानती हूँ। तो मैम तो तेजवानी मैडम को बोल के ये सब रोक दो ना मैडम। मैडम अपना अपना होटल के लिए ना ये बहुत खराब इमेज है मैडम, आप बोलते कर रहे मैडम। बेनी, ये लोग टीवी पर कुछ और होते हैं और रियल लाइफ में कुछ और। तुम मिसेस तेजवानी के बारे में कुछ नहीं जानते। Isn't she good? Look at her. Yeah. Are you a model? Yes, I am. Majesty. At Lokhandwala? Lokhandwala. Yes. Lokhandwala se tum sirf apne kapde khareedna afford kar sakte ho. Bahar rehna nahi. Lekin यहाँ के महाराजा स्वीट में रहना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। Would you like to accompany me tonight? महाराजा स्वीट बुक कराना, लड़कों को ले जाना, वो भी अलग अलग नाम से। आज कौन से नाम से रूम है? मिस्टर एंड मिसेस फनी मित्तल। वाओ, कहाँ कहाँ से ऐसे नाम सोच लेती हो? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके बाय। ये लोग खुद झूठा नाम इस्तेमाल करते हैं तो सच्चाई का साथ क्या देंगे? सो बेनी, अगर इन सब चीजों में पड़ोगे ना तो मुसीबत में पड़ जाओगे। ध्यान मत दो, आंखें बंद रखो। ए मुन्ना, मेरा चिली चिकन कहाँ है? ला रहा हूँ। मुन्ना मेरी चाय। ला रहा हूँ। अबे चाय, मुन्ना ला रहा हूँ। मुन्ना आज चिल्लाओ मत, हमारे लिए कुछ मत लाना। इधर आ, इधर आ, इधर आ, मैं तेरे लिए शर्ट लाई। हमारे लिए? हमारे लिए शर्ट क्यों? वो मैं शॉपिंग गई थी रणवीर के साथ, उसके लिए शर्ट खरीदी, तो तेरे लिए भी शर्ट ले आई। कैसी है शर्ट? तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी याद कैसे आई? क्यों, मेरे को तेरी याद नहीं आ सकती? हाँ, मेरे को गजनी का आमिर खान समझा है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं। अरे यार बबलू, तू भी ना, मैं तेरे को कैसे भूल सकती है? अरे तूने ही तो मेरे को रणवीर का नंबर दिया था। हाँ, वो बात तो है, वो बात तो है। और फिडोरा पता है, रणवीर को एक फिल्म मिली है, हीरो का रोल। क्या बात है, यानी कि मैं फ्यूचर का शाहरुख और तू गौरी खान। नहीं नहीं नहीं, उसे भोजपुरी फिल्म मिली है। सो व्हाट, यानी कि वो रवि किशन और तू मिसेस किशन। कुछ भी बोलती है। और सुनना, लुटाओ लुटाओ खूब लुटाओ, मेरे बाप का क्या जा रहा है? रिकॉर्ड चालू। ए बबलू, इन जैसे लौंडो को ना मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ, इन्हें चांद जैसी लड़की चाहिए। अच्छा, खूबसूरत? नहीं मेरे मुन्ने, चांद बोले तो जो रात में आए और सुबह को निकल जाए। ए हेमा, तेरा प्रॉब्लम क्या है रे? मैं खुश हूँ तो तेरी कैकल जल रही है। हाँ? अरे? मेरी क्यों जलेगी, मैं क्या उसकी हमबिस्तर हूँ? और सुन, मैं यहाँ काम करने आती हूँ, तेरी तरह मुंह उठाकर इस झाड़ में नहीं आ जाती हूँ। वैसे भी तेरे साथ इशक करेगा कौन? सीएनजी पर चलने वाली पुरानी टैक्सी हो गई है तू, पुरानी टैक्सी। क्या बोली तू साली, कम से कम मैं चल तो रही हूँ ना, तू तो उड़ रही है, उड़। और मधुबाला, तू भी कोई मर्सिडीज नहीं है। हाँ, तुझे भी घूम फिर कर यही पुरानी टैक्सी बनना है। चल, हाँ ईशा की चमची, जाने देना हेमा, छोड़ना यार। तुम लोग भी ना थोड़ा होश में आ जाओ, इन लौंडे लोगों की औकात ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इनके लिए हमारे दो पल तो बहुत कीमती होते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी बहुत सस्ती होती है। निखिल, 5 मिनट के अंदर वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आई हैव नो टाइम एंड इज अ वीवीआईपी। होल्ड ऑन, ये 4 साल बेलबॉयज क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आउट आउट आउट, आई एम इन अ फिक्स, आई डोंट नो व्हाट टू डू। हे साइको, यू विल नॉट टच हिज लगेज, अंडरस्टैंड, स्टे अवे। और सिक्योरिटी गार्ड यहाँ क्या कर रहे हैं? कम ऑन, स्टैंड एट द मेन एंट्रेंस, डैम इट, मूव इट, मूव इट। आई डोंट लाइक योर फेसेस, कम ऑन, गो हाइड इनसाइड, कम ऑन बोथ ऑफ यू। मंत्री जी का फेवरेट 430 रेडी है? यस सर। उनके फ्लावर्स रेडी हैं? यस सर। स्माइल व्हेन इट्स नीडेड, सॉरी, गो एंड डबल चेक, कम ऑन, मूव इट। हां निखिल, ओ यस, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। हां हां, या देयर इज नो मार्जिन फॉर एरर। निखिल, आई एम एन एक्स्ट्रा मशीन फॉर गॉड्स सेक। ये क्या कर रहे हैं आप? सॉरी सर,
सॉरी सर, क्या कर क्या रहे हैं आप? सर वैसे सेविंग हूँ सर, मैं वहाँ से निकल आता, प्रॉब्लम है आपको? सर एक्सरे मशीन सर सब दिखता है सर, आई एम रियली सॉरी सर। वेरी इंटेलिजेंट निखिल, वेलकम टू होटल मिराज। कम ऑन, वेलकम नाइसली। सर आपका फेवरेट स्वीट 430 मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है सर। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? सॉरी जो चिपक क्यों रहे हैं आप इतना मुझसे? सॉरी सर, सॉरी सर, व्हाट? सॉरी सॉरी सर, वो क्या, वो निकल गए, वो निकल गए, वो निकल गए। ओह माय गॉड, अब बता रहे हो, यू डिड क्या? वेलकम सर, मिराज में आपका स्वागत है मिस्टर गायकवाड़। कभी तो गले लगा के स्वागत किया कीजिए। आपका रूम एकदम रेडी है, 430, एंजॉय द स्टे। बास्टर्ड सर, छोटी सी रिक्वेस्ट। टुकड़ा काय क्यों चल रहा है? हेलो बेबी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एंड गुड मेंटेनेंस आल्सो। जिस तरह तुम ये होटल के कमरे मेंटेन करते हो ना, बिल्कुल उसी तरह अपनी फिगर को भी मेंटेन किया। टक टक, वाह बास्टर्ड। सर लास्ट में हमारे होटल का लिकर लाइसेंस कैसे लोगे सर? लेकिन सर मैंने पुकार रही थी आपको लिकर लाइसेंस की सर, वरना तो एक अप रे लिकर लाइसेंस। क्या लाइसेंस लाइसेंस लगाया तूने? आ देख, तू माझं काम करायचं, मी तुझं काम करणार, कळलं? यस सर, राइट सर। आई मिठाईचा तुकडा आत मध्ये सोडून तू काय लायसन्स घेऊन? हा सर, वो बार खुला आहे सर 24/7। काय बार खुला आहे, गावर काहीतरी बोलते। आज माझा रॉजर्स भेटणार, तो मला पोरगी देणार आज माझा। अरे रॉजर्स, वेलकम 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 सर। बस सर, ये क्या सर? क्या हुआ? आप तो काफी ड्रेन्ड आउट लग रहे हैं सर। अरे बाबा, किसानों को बेवकूफ बनाना इतना आसान थोड़ी है। अरे भैया, दो हफ्ते किसानों के साथ धूप में घूम के सर, वैसे भी आपने तो कंट्री को इतना सर्विस दिया है और आपके लिए सर ये दो सर्विस देंगी, ये हरियाली और मैं वेलकम रास्ता। क्या बात है डार्लिंग, दो दो हरियाली, एक तू और एक आई लव यू और मैं डिवाइडर। वाह, अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? बैठने का इधर आओ सर, आओ। मैडम किसको, साहब को बैठने दो। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, तो इधर क्या देख रहा है? चल भाग, तेजी आई तो कहीं तमाशा चल रहा है कि उन्ना आगो नाचते इकड़े है। ये क्या तू इकड़े, तू बेल बॉय नहीं ना? तू माजी बेल, मैं तुझा बॉय। ये डार्लिंग आई लाइक यू, इंग्लिश करेक्ट नो? बास्टर्ड। भेनी तू सरप्राइज क्यों हो रहा है? अरे यहाँ पर हर व्हाइट कॉलर वाले का काम काला ही होता है, और तुझे पता है अपने देश की ट्रेजेडी क्या है? A to Z कर आप लोगों के लिए, ये बंदूक वाले जेड सिक्योरिटी। लेकिन मैंने टीवी में देखा, ये गायकवाड़ है ना, किसान लोगों के लिए बहुत काम किया रहे। अरे वहाँ पर किसानों के साथ हल चलाता है और यहाँ पर कन्याओं के साथ हल्ला मचाता है, और तेरे को पता है इसके लिए यहाँ पर रहना खाना सब कुछ फ्री, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इसके जो पॉलिटिकल कनेक्शंस है ना, उसकी वजह से इस होटल के सारे काले धंधे छुपते हैं। हेमा जी, आपकी आंखें बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी बड़ी है। धोबड़े के साथ फ्री मिली है, क्या करने का है तेरे को? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो क्या है, मैंने जब से आपको देखा है तब से मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया। पीना भी छोड़ दिया? हाँ। इतना कड़का है तो बार में क्या करने को आता है यार? हाँ? अरे वंदना को क्या हुआ? क्यों रो रही है? वंदना, अरे क्या हुआ? पानी पियो, पानी पियो। क्या हुआ? पानी पी, तुम्हें पता क्या हुआ? वंदना पानी पी लो। क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे? क्या मालूम क्या हुआ? मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ बबलू, मैं सातारा गांव की किसान की बेटी हूँ। बाबूजी की तबीयत खराब है, उनके दिल में छेद है, उनके इलाज के लिए बहुत पैसे इकट्ठे करने हैं। मेरे पड़ोसी ने कहा कि यह एक रास्ता है जहाँ मुझे से अनपढ़ लड़की कुछ पैसे कमा सकती है, जितना भी कमाती हूँ उसका 20% मुझे उसे देना पड़ता है जिसने मुझे यह काम पे लगाया। बाकी के सारे पैसे मैं बाबूजी के इलाज के लिए दवाई में खर्च करती हूँ। पर फिर भी आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। साईं बाबा की शपथ, आज तक किसी आदमी ने मुझे छुआ तक नहीं। अरे जानते हैं हम, ये तो दारू पी के कुछ भी बोलते हैं। अब सांप के बिल में रहोगी तो जहर तो पीना पड़ेगा ना। इट्स ओके बेबी, मेरे को भी जान पहचान वालों से, सोसाइटी वालों से कितना कुछ सुनना पड़ता है। अरे
इस बार लाइन में है तो क्या सब समझते हैं होटल बंद होने के बाद हम रोज किसी के साथ सोने जाते हैं? वंदना, हम सबको पता है तू कैसी और क्या है, छोड़ ना ये सब। हाँ रोशनी, ये तो तू बिल्कुल ठीक बोली। ये अभी कैसी है ये तो तेरे को मालूम है, लेकिन ये लाइन कल इसे कैसी बना देगी ये सिर्फ मेरे को पता है। कब तक छुपेगी कैरी पत्तों की आड़ में, कभी तो निकलोगी मेरी जान नसरुल्ला खां के बाजार में। वैसे एक बात बता, ये बार बंद होने के बाद सीधे घर जाती है ना? क्यों पूछ रही है तू? बताती हूँ। ईशा, ये क्या हरकत है ईशा? चाकू हार जा। हेमा, आज तेरे को इस चाकू से केक काटना होगा। सलाम तुम मुबारक हो। किस मिट्टी के बने हो यार तुम लोग? मैं तुम्हारी हर बात काटती हूँ और आज तुम मेरी बर्थडे का केक काटने आ गए? कितना कड़वा बोलती हूँ मैं तुम सबको और तुम। हेमा, अपने बीच तो यूं ही चटर पटर होती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम दुश्मन हैं। Happy birthday to Hema. Happy birthday to you. ये थोड़ा कम खाना ऐसे हो जाओगे। मेरा असली नाम परवीन है, लखनऊ की रहने वाली हूँ। अपने टाइम की सबसे फेमस बार गर्ल थी मैं। लोग मेरे ऊपर पैसा पानी की तरह उड़ाते थे। मेरे माँ बाप, चाचा चाची, भाई बहन, उनके बच्चे, सबका खर्चा मेरे ठुमकों पर चलता था। फिर एक दिन अखिलेश आया, दीवाना हो गया मेरा। और एक दिन उसने बार में अनाउंसमेंट कर दिया कि आज हिमा की बार में आखिरी रात है, क्योंकि वो मुझसे शादी करने वाला था। सब कुछ छोड़ के मैंने उसका हाथ थाम लिया। ऐसा लगा जैसे एक सच्चा प्यार करने वाला, एक सारी जिंदगी सपोर्ट करने वाला मिल गया। एक इज्जतदार बेबी की तरह उसके दिए हुए फ्लैट में रहने लगी। फिर एक दिन मालूम हुआ कि अखिलेश शादीशुदा है। दो दो बच्चे थे उसके। एक दिन उसकी बीवी मेरे फ्लैट में आई और मुझे घसीटती हुई नंगे पांव कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया। अखिलेश तो इंडिया से बाहर चला गया, लेकिन मेरी कोक में अपना बच्चा दे गया। शर्मिंदा होके उन्हीं माँ बाप के पास लौट गई जिन्हें मैंने सालों पाला था। लेकिन मेरी बदनामी, मेरे हराम के बच्चे की खबर को वो लोग नहीं पाल सके। मजबूर होके मुझे उसी बार में वापस जाना पड़ा जहां से मैं अखिलेश का दामन थाम के निकली थी। बारह साल का बच्चा है मेरा, बोर्डिंग का खर्चा उठा रही हो बहुत मुश्किल से। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो। तुम लोग नहीं जानते हो, जब जवानी के फर्नीचर पर उम्र की दीमक लगती है ना, तो कोई थूकता भी नहीं है। अब बस मेरे बच्चे का मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। वाही, तू तो वही की वही च रही, तीखी बातें यूं सबको सुनाना। नहीं ईशा, मैं तो हिमा, तू ऐसा कैसा बोल सकती है रे कि तेरा कोई नहीं है, कि तेरे बच्चे का तेरे अलावा कोई नहीं है। एक बात बोलो, तेरे बच्चे को ना इतनी सारी मासियां कोई बंपर सेल में भी नहीं मिलेंगी। हाँ क्यों? हाँ, और ये सोनी भी आज से तेरे फैमिली में शामिल है। असली नाम आकृति।
हाँ, और मेरा नाम ईशा विशा नहीं है, मेरा नाम है सरिता। वंदना, असली नाम निरंजना। और मेरा असली नाम रोशनी नहीं, अंजलि है। पेडोरा, रियल में मरीना। बबलू, और असली में भी नाम बबलू। अब तो हम एक दूसरे को खूब जानते पहचानते हैं, तो फिर शर्माना कैसा? हम तुम्हारी खूब प्यास बुझाएंगे। अयो! क्या हुआ? कुछ नहीं रे। कुछ नहीं? कुछ नहीं हुआ? है नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे तो फिर ऐसे कैसे हड़बड़ा के? ऐसी रे, कुछ नहीं, ऐसी हुआ। लेकिन हमारे यहाँ आज बहुत कुछ हुआ। ये लो, खाओ खाओ। क्या है? हेमा का जन्मदिन था तो हम सब ने खूब मिलके जन्मदिन मनाया। पता है वहाँ सब अनपढ़ हैं, लेकिन एक एक के पास प्यार बांटने की डिग्री है। प्यार बांटने का तो डिग्री तो है, लेकिन कितना डिग्री में प्यार बांटते हैं वो प्रॉब्लम है। गलत जगह काम करने का ये मतलब नहीं है कि वो भी गलत है। तू बोलता था ना बार बार देखो बबलू का लेडीज बार, देखो। देखा हमने हर एक लड़की को करीब से, उनकी उनकी जिंदगी को, उनके हालात को समझा है हमने। वहाँ वो उनकी मंजूरी में भी उनकी मजबूरी को महसूस किया है हमने। बेनी बात करते हो, वहाँ कोई जबरदस्ती किसी से पैसे नहीं मांगता है, सब अपनी मर्जी से उन्हें देते हैं। बुराई वहाँ काम करने में नहीं है, बुराई लोगों की सड़ी सोच में है। अरे वो खाली मैं, अरे तू तू भी ना, इतना क्या भड़कता रे तू? हाँ छोड़ो ना यार, ऐसे कैसे बात कर देते हो? ये वो दिल का बॉटम ओ कोने से मैं सॉरी बोलता तेरे को मैं। ओके, चाय पीगा? ग्लूकोज बिस्किट भी खाऊंगा। उंगली दिया तो हाथ भी पकड़ने का बबलू अन्ना। उनको गलत मत समझो। बबलू अन्ना ले आओ, अब खाओ। क्यों नहीं मिलती खुशी की मंजिल। ए शीना, लुक एट दिस, सिर्फ 36 इंस्टॉलमेंट्स में कर्जत में अपना हॉलिडे होम। हर कदम दर्द, लिसन, अरे सिर्फ 36 इंस्टॉलमेंट्स यार। क्यों है शहर ये शहर बियाबान, क्यों है शहर ये शहर। क्या बात है मैडम, आप आज इतना सैड उदास? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर बताइए ना। स्टॉप इट, तुम होते कौन है पूछने वाले? पेनी द बेल, सॉरी मैम। पेनी? यस मैम। Sorry, I'm really sorry. Actually, आजकल इतनी problems हैं कि problem मैम, आप जैसे बड़ा लोगों के लिए क्या problem? हमारे class की एक major problem है। हम कभी satisfy नहीं होते, काफी कुछ होता है, लेकिन सब कुछ पाने के लालच में हम सारी जिंदगी loan चुकाते रहते हैं, EMIs भरते रहते हैं। और मेरे husband अभिषेक इस बीमारी के सबसे बड़े patient हैं। और पता है पेनी, सबसे टफ क्या है? इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी मुझे अपने जॉब पर हर वक्त चेहरे पर स्माइल रखनी पड़ती है, ठीक किसी लेडीज बार में खड़ी पारगल की तरह।
अरे बाबा मैं जानता हूँ, मैं 20 दिन के लिए जा रहा हूँ। ऊटी में आउटडोर शूटिंग है मेरी। पिक्चर का नाम क्या है? भौचाई की सौगन तोहरा के गाड़ के रख दे। पिक्चर का नाम बता रहा है या पूरी स्टोरी? गुस्से में तुम कितनी मीठी मीठी बातें करती हो। अरे बाप रे, अच्छा मेरे को लेट हो रहा है, अब प्रोडक्शन वाला वेट कर रहा है। प्रोडक्शन? हाँ ओके चल। अंडा नहीं घुमाओगी? बस हो गया। ये ले। अरे ये क्यों? अरे रख ले, काम आएगा। देख फिर, दुनिया में पैसा है ना तो इच लोग पूछते हैं कैसा है, स्टैंडर्ड बढ़ाने का अपना। लेकिन इशा, चल चल चल, लेट हो रहा है ना तेरे को। प्रोडक्शन और सुन, बाय मत बोलना, और हाँ पीछे मुड़कर भी मत देखना। वो क्या है ना, इमोशन हैंडल नहीं होता है रे मेरे से। अपना ख्याल रखना। हाँ बाय। Good evening, sir. Is everything fine? Would you like something else? I want you. How dare you talk to me like that? Complimentary mat samjho. Tumhare in fruits and chocolates ki tarah. I'll pay for it. 1 lakh rupees. Stop it, sir. 1 lakh deke aap samajhte ho ki I'll sleep? 2 lakh. Mehnat hamari aur waqt aapka. Main us type ki ladki nahi hu. Hum dono ke beech aise kuch nahi ho sakta. Hamare hi beech aisa ho sakta hai. क्योंकि जितनी तुम खूबसूरत हो उतना ही मैं पैसे वाला। ये 3 लाख रुपए हैं। इन्हें ठुकराने से पहले अच्छी तरह सोच लो कि तुम इन पैसों से क्या क्या कर सकती हो। यू कैन बाय अ न्यू कार, आईपॉड, ज्वेलरी, न्यू वार्डरोब, यू कैन बाय योर ड्रीम्स। ए हेलो, ये मेरी पार्किंग में गाड़ी किसने लगाई है? 401 वाली रिया मैम साहब की है। आज ही शोरूम से नई कार मंगाई है। नई कार या नया कारनामा? Sir, your luggage. Interesting match, sir. Ayyo, sir, sorry, sir. Sir. Ayy, what a six, sir, sir. Sir, remote here, sir. Huh? Okay, sir. What happened, man? I touch, he fall. Doctor? No way. He's dead. He's dead? Yes. I know he's dead. Come on, doctor, you know what to do with the dead body? Yes. As always, इसको आप अपने नर्सिंग होम में ले जाइए और वहां पे इसको डेड डिक्लेयर कीजिए। उसके बाद हम इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं। Okay. Come on, move! Idiot. Nita? Yes, sir. तुम एक housekeeping trolley organize करो। Right, sir. क्या नंबर है इस रूम का? सर 309। हाँ, निकल ये 309 का आउटस्टैंडिंग क्या है? 70,000 सर। 70,000? Are you crazy? No sir. तुम हो कहाँ अभी? रिसेप्शन पे सर। You just wait there. I'm coming right away. What are you staring at? What? Nothing sir. Then move your butt, Benny. Come on. Yes sir. But what sir? But is this? This is your butt. Yes, got yes, it? Yes, move. निकल इसको भी अपने होटल में मर रहा था यार। कमाल है। अपना होटल में एक डेथ हो गया, पुलिस को इन्फॉर्म करो ना। पुलिस को? पागल हो गया क्या? अरे पुलिस मतलब मीडिया, मीडिया मतलब पब्लिक, और पब्लिक मतलब अपने कस्टमर्स। देख उन लोगों को मालूम पड़ेगा ना कि इधर डेथ हो रहा है तो वो लोग इधर आएंगे नहीं। उसके बाद तेरे को और मेरे को साथ में नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तू एक काम कर, तू इसका सामान फोल्ड कर, मैं इसको फोल्ड करता हूँ। सर आपका फेवरेट स्वीट 309 रेडी है सर। आपकी फेवरेट फ्लास, आपकी फेवरेट डार्क चॉकलेट। लेकिन इसको भी अपने होटल में मर रहा था, कमाल है यार। इवेनी इवेनी मैंने एक फोटो देना।
वो देख, वो देख, वो देख, वो देख, उसकी तो चाली बदल गई यार। कौन है रे? अबे रिया। रिलैक्स रिया, वाओ, और वो भी एक घंटे में। क्या यार, ये तो एटीएम से पैसे निकालने से भी ज्यादा फास्ट निकला। राइट, ड्यूटी पर आओ तो बस में लोग फ्री में हाथ या हवा लगा देते हैं, सो व्हाई नॉट गेट पेड फॉर इट। आज गाड़ी आ गए तो बॉयफ्रेंड भी गाड़ी वाला मिलेगा, बस में ट्रैवल करो तो मैक्सिमम बॉयफ्रेंड बाइक वाला। हाय, आई एम समंथा, डू यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद मी? हाय, आई एम जेनिफर, वेलकम टू होटल मिराज। मुंबई पुलिस स्पेशल ब्रांच। बहुत ज्यादा ये सब लफड़ा चल रहा है तुम्हारे होटल में। ये एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन। कल सुबह जब अखबार में छपेगा तो सब पता चल जाएगा तुम्हें। सर ये तो होटल के रेगुलर गेस्ट हैं सर, और फिर सर ये बड़े रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन हैं। सर हमें क्या मालूम होटल कमरे में कोई क्या करता है, वी हैव नो आइडिया सर। फाइव स्टार चला रहा है कि चेक नाका के बाजू में लॉज, कुछ भी चलेगा यार। सर ये हमारे होटल की रेपुटेशन का सवाल है, और वैसे भी सर ये बड़ा माइनर सा इशू है। वी कैन सॉर्ट इट आउट ओवर अ कप ऑफ कॉफी सर। अगर आप चाहें तो चाय भी मिलेगी सर, पानी कम टाइप्स। क्या इतना अर्जेंट है रॉनी? अभी तू चलना, मैं तेरे को बताता हूँ। बागी की पार्टी का है, बैनी चल, बैनी चल। स्कूल के बच्चों को हाथ खड़ी लगा रहे? अरे स्कूल के बच्चे नहीं, टीचर है, प्रिंसिपल अंदर है, चल। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। कोर्ट गेट में तब भी क्या करते रहे? अरे मैं बताता हूँ तेरे को, इनकी मदद कर, पहले तू मदद कर। आइए सर, आइए, चलिए सर, पुलिस का लफड़ा। पुलिस का क्या लफड़ा है? चल एवनी, क्या हुआ तेरे को? कुछ नहीं। अरे बोलना क्या हुआ? ये होटल बंद हो जाएगा। नहीं तो क्यों? कल वो पुलिस का रेट बढ़ गया ना। अरे छोड़ना यार, पहली बार थोड़ी हो रहा है, तू चल फिक्र मत कर। और तू देखना, कल इसके बारे में पेपर में भी कुछ नहीं आएगा। रॉनी ये सब है ना, रेड लाइट एरिया के माफिक लग रहे। अरे तो क्या हुआ यार, ये फाइव स्टार है, यहाँ पे ग्रीन लाइट मिल जाती है। और सुन, रेड लाइट मत बोल, अच्छा नहीं लगता है, एस्कॉर्ट सर्विस बोल। अगर इन लड़कियों को हिंदी में तू नहीं समझ गया नहीं अच्छा लगता है ना, एस्कॉर्ट सर्विस अच्छा लगता है। अब तुझे कोई घंटे वाला लड़का बोल दे, अच्छा नहीं लगता है ना, बेल बॉय कितना अच्छा लगता है ना, है ना। चल और सुन, ये फाइव स्टार है, यहाँ पर जितनी ज्यादा गंदगी उतने ज्यादा स्टार। क्या हुआ, जोक अच्छा लगा? नहीं वो वाला। कौन सा वाला? घंटे वाला लड़का। घंटा पसंद आया? चल कौशल रस प्रचार। बेनी, बेनी, ये क्या लिखा है, जाने माने फाइव स्टार होटल में रेड पड़ी? बेनी ये होटल तुम्हारा तो नहीं है? वो फाइव स्टार है, वो ये नाम दिया है क्या? नहीं नाम तो नहीं है। तेरा भी दिमाग है ना, एकदम लेडीज बार की तरह ऐसा कैसा आरोप लगाता है तू? नहीं नहीं मैंने तो ऐसे पूछ लिया। ये फाइव स्टार है बबलू, ये वो तेरा वो बार नहीं है, ला तो जरा। क्यों? अरे वो आईना साफ करने का, ला ना इधर तू। अरे आज के पेपर से आईना साफ करोगे? ये आईना है, ये सुखाने का नहीं कह रहे फाइव स्टार को, ये टॉवल को। अरे जल्दी करो, रणवीर की फिल्म शुरू होने वाली होगी, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। वही मैं वो टाइमिंग देख रहा था शो का, नाम क्या है फिल्म का? भौजाई की सौगंध तोहरा के गाड़ के रख दे। डायलॉग नहीं रहे, फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है, तुम बोलो बोलो बोलो। वो भुजाई का सुगंध। बाकी पोस्टर पढ़ लेना। हम शहर से वापिस आ गए बानी, तो के हर चुप का जवाब देवे के खातिर अब तो के छोड़ अपना। कब तक सताई बोना?
तेरे बाप का घर थोड़ी ना है। तो तेरा माँ का घर है। माइंड इट है, सिट डाउन। आज तोहर पाप के घड़ा भर गई पठाकुर। हमरा के माफ कर दे। आज तोहर पाप के हिसाब होई। ना ना ना, तू हमार भौजाई जैसन बारू। हमरा के माफ कर दे। हाँ मैंने कहा ना मैं तैयार हूँ, पर मुझे 3 लाख चाहिए। वाह, तूने तो बारी एंट्री फी रख दी। चल दिया 3 लाख। तो मैं आज रात ही आ जाती हूँ। आप बस बता दीजिए कि कब और कहाँ आना है। 3 लाख देंगे ना? एक रात का 3 नहीं चलेगा। 3 रातों के लिए लोनावाला ले जाऊंगा तेरे को। हर रात के बाद 1 लाख डाउन पेमेंट। बोल, मंजूर है? हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं आ जाऊंगी। सोचती थी कि तू सबसे अलग है, लेकिन आज देख भी लिया और सुन भी लिया, तू तो सचमुच सबसे अलग है। हाँ, छुप छुप के ये सब करती है। गांव से फोन आया था, बाबू आईसीयू में है। अगर 1 हफ्ते के अंदर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो 3 लाख की जरूरत है। 3 लाख माँ बाबूजी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। अब मेरे कितने सस्ते जाए जो खरीद ले, जो जागे खरीद ले। गूंगे रस्ते दूर है मंजिल, कैसा है नसीब रे, कैसा है नसीब रे। और अपना की किसकी बसुआ, और अपा काम आए ना दुआ। और अपा लगी किसकी बसुआ, और अपा काम आए ना दुआ। ये 10,000 रुपए मैनेजर के पास बचा के रखे थे, इनसे अपना काम चला। और जब तक बच पाओ बच जाओ, पर इस रास्ते पे मत जाओ। नहीं बाबलू, शायद साईं बाबा भी यही चाहते हैं। नहीं। अरे फेडोरा, ये क्या कर रही है? अन्ना, आज के दिन मत रोक, बहुत कमा के दिया तेरे घुंघरू लेडीज बार को, प्लीज। अगर बबलू इसकी मदद कर सकता है तो क्या हम सब नहीं कर सकते? Hi baby, just a reminder for tomorrow. Of course, कैसे भूल सकती हूँ? Candlelight dinner fix. Bye love, take care. Bye. ये कौन है? Boyfriend. What? You got a new boyfriend? Yes. Bike वाला? नहीं, गाड़ी वाला. Yes. Paintal. तेरे को सबसे पहला सरप्राइज दिखाने लेके आया. ये तेरा? तेरा माले पे तो है ना अपुन। अरे नंबर वाला तेरा नहीं। तो? तेरा वाला तेरा है? नहीं, ये हमारा फ्लैट है, 2 BHK फ्लैट, लेकिन भाड़े पे। वो क्या है कि मम्मी डैडी से बात हो गई है, वो चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी सेटल हो जाऊं। इसके लिए मेरा सरप्राइज नंबर 2। वाओ। शादी नहीं कर सकती मैं तेरे से। क्या? पर क्यों? तेरे को तो मालूम है ना, मैंने इस लेडीज बार की लाइन को काय को पकड़ा है। मेरे लाइफ में चाहे जो कुछ भी हो, मैं अपने भाई बहन को पढ़ाना चाहती हूँ, उनका खर्चा उठाना चाहती हूँ रे। अरे बस क्या ईशा, तेरे भाई बहन लोग मेरे लिए कुछ नहीं है क्या? तू टेंशन मत ले, मैं है ना, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा।
हर महीने का खर्चा 50,000 से ऊपर का है। शुरू शुरू में तो तू मैनेज कर लेगा, लेकिन उसके बाद तेरे को बोझ लगेगा रे। तो तू क्या चाहती है? तू उस दलदल में, उस गंदी नाली में, उस कीचड़ में, उन गंदी नजरों के बीच अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है? फिलहाल तो मुझे हर गंदी नजर में अपने भाई धीरज की सालाना फीस नजर आती है, अपने बहन लाडो के कॉलेज की डिग्री नजर आती है, मेरे छोटे छोटे भाई बहनों की आकाश, रिंकू, प्रीति, उनकी ट्यूशन की फीस नजर आती है रे। अरे लेकिन तेरे को पता है मेरे मम्मी डैडी कितना फोर्स कर रहे हैं मेरे को शादी करने के लिए? हाँ तू कर लेना शादी, तू शादी कर ले। मैं नहीं, तू कोई और मिसेस रवि किशन बन जाएगी। व्हाट रविश यार, तू क्या बोल रही है? नहीं कर सकती रे मैं शादी, लेकिन तेरे से एक चीज चाहिए मेरे को, देगा? क्या चाहिए तेरे को बोल। ये, अरे ये मंगलसूत्र का तू क्या करेगी? हर रोज देखूंगी इसको और सबको दिखाऊंगी भी कि एक छोकरा था जो मेरे साथ सिर्फ एक रात नहीं पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था। तूने रणबीर को शादी के लिए नो बोल दिया? फेडोरा, तू तो जानती है हमारी जिंदगी में इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि हम अपने खुद के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते। हमारे भाई बहन कुछ बन जाएं, बस हमें और क्या चाहिए। और वैसे भी मुझे दूसरों के लिए सपने देखना बहुत अच्छा लगता है। रणबीर का सपना सच हो रहा है तो मैं खुश। हम बताएं, पहली बार जब हम इस जगह पर आए थे तो हमें इतनी शर्म लग रही थी कि किस जगह पे काम कर रहे हैं, किस तरीके की लड़कियों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से मिलने के बाद हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस माहौल में आप लोग अपनी जिंदगी से लड़ रहे हो हमें आप सब पर गर्व है। How dare they bash up our boys? अरे अगर कोई गलती करेगा तो उनके हाथ पाव तोड़ने का लाइसेंस है क्या उनके पास? गोरेगांव लिंक रोड पर किसी मामूली घुंघरू बार में काम करने वाले लोगों ने हमारे लड़कों को मारा। Beaten them up like dogs? पुलिस को तुम लोग ये स्टेटमेंट दोगे कि तुम सब उस बार में गए थे लेकिन बार की लड़कियों को तुम लोगों ने छुआ तक नहीं। लेकिन 9:30 की डेडलाइन के बाद भी जब बार की लड़कियां गेस्ट के साथ पब्लिकली फिजिकल हो रही थी तो तुम चारों ने अपने सेलफोन के कैमरा से उनकी इलीगल एक्टिविटीज को कैप्चर करने की कोशिश की। बस तभी उन सब ने आप लोगों को बेरहमी से पीटा। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, कौन हो तुम? मैं आलोक का दोस्त, अभी अभी मम्मी डैडी के साथ शिफ्ट हुआ हूँ। ओह, तुम्हारी मम्मी बहुत परेशान हो रही होगी ना ये सब सुनकर। आस्क टू रिलैक्स। जी मैम। और उनको ये भी कह देना कि आज रात को तुम घर नहीं आ पाओगे। भाई साहब मुंह क्या लटका है रे, ये जेल सब नॉर्मल है रे, फ्रीडम फाइट के जमाने से होते रहता है सब कुछ। आजकल क्या है सब कुछ रेगुलर, ये रेगुलर। हाँ रेगुलर है, एक्टर लोग भी आता ना आजकल जेल गिल में। और कितना सुनाएगा? अरे सुनाता नहीं रे, मैं चाहती है ना खुशी से फूल गया है, जश्न मनाता है रे। अभी है ना तू एक्चुअल में लेडीज बार का वेटर हो गया, ये फॉर्मेलिटी पूरा किया ना मारपीट करके जेल में जाने का, अभी तक ग्रेजुएशन पूरा हो गया है बबलू, बबलू पास हो गया, ये न्यूज़ सबको सुनाने का है। सर भाई साहब इधर ही, एक मिनट क्या है? ये बबलू है, लेडीज बार में काम करता था, आज उसका ग्रेजुएशन। मैं क्या करूं? अरे सर ये बबलू है, लेडीज बार में काम करता, घुंगरू लेडीज बार बोल के एक घटिया थर्ड क्लास बार है सर, उधर काम करता, आज वो मारपीट करके जेल गया सर, ग्रेजुएशन हो गया सर इसका। हाथ मिला ना? राजू सेठ जी घुंगरू लेडीज बार के मैनेजर। ये बेनी है ना, इजी लेने का सर, हमारी लाइन में जेल जाने का चक्कर तो चलता रहता है, ये हमारे लिए रोज का काम है। तू एक काम कर, तू शाम को मिल मेरे को, मैं जरा पेपर वर्क करके आता हूँ। जी जी नमस्ते। मेरा मुंह कब आज झील लिया रे। ये रेगुलर रेगुलर है बोलता रहे इधर, वेरी गुड ना, दिल को तसल्ली मिल, शांति मिल गया रे। मेरे
हमारी एनजीओ टीम ने मुंबई की इन लेडीज बार्स की इनसाइड स्टोरी जान ली है। कानून के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, रात भर नाच गाने और कस्टमर को रिझाने के कार्यक्रम चलते रहते हैं। लीजिए ना प्लीज। हम सब कुछ जानते हुए भी आखिर अनजान होने का नाटक कब तक करते रहेंगे? खुलेआम जिस्म की नुमाइश हो रही है। जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है कि हम सबको मिलकर इन लेडीज बार्स की गंदी नेटवर्क का पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। Yes, gentlemen, she's right. I mean, ये वल्गैरिटी, ये ऑब्सिनिटी, ये अनप्रदर्शन हम और टॉलरेट नहीं करेंगे। आप लोग सोसाइटी के इतने बॉन्ड लोग हैं, अगर आप लोग आवाज उठाएंगे तो आई एम श्योर लोगों में अवेयरनेस आएगी। आई एम श्योर। थैंक यू मिस्टर नेगी। मिसेस तेजवानी, वो 15 की पार्टी कंफर्म समझूं? ऑफ कोर्स मिस्टर नेगी। 1000 कवर्स? या या, ऑलराइट, एंजॉय सर। थैंक यू। निखिल, 15 की कंफर्म है। सो वी हैव टू गेट टुगेदर। हे सर्व लेडीज बार ताबडतोब बंद झाले पाहिजे आणि याचे रिपोर्टिंग मला करा। काही मदत लागली असेल तर माझ्या डिपार्टमेंट कडून। बंद करा सगळं, हे समाजासाठी हे सगळं करणं चांगलं नाहीये। तू जानता नहीं मैं कौन हूं? एक फोन किया ना तो ठोक देगा तेरे को आके। हरामजादे, बंद करिए नाटक। साला कुत्रिया नहीं चाहिए लेडीज बार। टेंशन नहीं है, सब हो गया है। अभी एक घंटे में तुम सब लोग घर चले जाओगे। थैंक यू अन्ना। थैंक यू किस बात का? 40% प्रोटेक्शन मनी, यही सब लफड़ा मिटाने के लिए तो लेता हूँ मैं तुम लोगों से यार। चलो अभी रिलैक्स रहो, बाकी का मैं निपटा के आता हूँ। रोज रोज का ड्रामा हो गया है ये लोगों का। पैसा भी खाते हैं और रोज आ जाते हैं उठाने के लिए हम लोगों को। 5-5 घंटे पकाते हैं फिर यहाँ बैठा के। चल यहाँ पे बैठ जा। अभी बोला है 1 घंटा, कितना टाइम लगाएंगे कमीने साले। दादा, वो लड़की यहाँ कैसे? कौन वो? लोखंड वाला बैक रोड पे बैक सीट पे बैकलेस पकड़ा है। क्या बात कर रहे हो? किसी आदमी के साथ तक दिना दिन कर रही थी, आदमी तो भाग गया, इसको धर दबोचा है। ए हाईफाई, क्या बोल रही थी उस दिन? पब्लिक प्रॉपर्टी टॉकिंग ऑफ बीइंग पर्सनल, नाउ लुक Who's become public property? हाँ? कितने हुए पैसे? अन्ना? वो जो लड़की वहाँ है ना, वो किसी तरह से भी उसको यहाँ से निकालो प्लीज अन्ना। जो भी उसका सेटिंग का खर्चा होगा मैं देगी। प्लीज अन्ना, प्लीज। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, चल। ओ थैंक यू अन्ना। मैं इसको समझाता हूँ, तू वहाँ जाके बैठ। रिया बेटा। साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ? पीछे जो लड़की बैठी है ना। आंटी, मैंने इसे यहाँ बुलाया। एक्चुअली आज हमारे लेडीज बार पे ना रेड पड़ गई और मैं पकड़ी गई, और इन लोगों ने बोला कि किसी भी दो जान पहचान वालों को बुलाओ तो ही छोड़ेंगे। आंटी, मैं आप दोनों के बिना और किसी को जानती भी तो नहीं। क्यों बेटा, ऐसा काम करती है क्यों? छोड़ दे इस काम को। मेरी बेटी रिया, इसे देख, ये जैसे अच्छी जगह काम करती है वैसे तू भी तो कर सकती है। काम हो गया। ओ, ये राजू सेठ है, हमारे लेडीज बार के मैनेजर। अब बाकी का ये संभाल लेंगे, अब आप दोनों जा सकते हैं, है ना? थैंक्स, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू रियो फॉर कमिंग। अच्छा सुन, ये लड़की किसी और बार की है क्या? अरे नहीं रे, किसी और दुनिया की है, पर इसका हालत अपने जैसा है, सेम टू सेम। बोलो रिया, क्या जरूरी बात करनी थी तुम्हें? आकाश, लेट्स गेट मैरिड। अरे, ऑल ऑफ अ सडन? लेकिन हमने तो 2 साल बाद शादी का सोचा था ना।
मैं अभी शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो 2 साल बाद होने वाला था वो अभी सही। यारे बबलू, आज मौन होता क्या रे? हाँ, अपना गुलाबों से बात नहीं कर रहा तू? रोज रोज फूल पत्तों से बात करना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है, लेकिन भड़कने का भी जरूरत नहीं रहे। टूट नहीं रहा है क्या? तू काम पे नहीं जाने का है? काम होगा तभी तो जाएंगे। हाँ, मतलब? घुंगरू लेडीज बार का बार लाइसेंस पुलिस ने कैंसिल कर दिया। हाँ, क्या बोल रहा है बबलू? वो राजू सेठ कहता है कि खिला पिला के शुरू करवा देगा, लेकिन गारंटी नहीं कब तक। तो अभी तू क्या करेगा? देखता हूँ कहीं रेलवे कैंटीन या ढाबे पे नौकरी ढूंढेंगे अब, और क्या है। What nonsense you're talking, बबलू? मैं कौन रे? हैं? तेरे सामने 5-star खड़ा है, मतलब 5-star में काम करने वाला दोस्त खड़ा है, समझ में आ रहा है तेरे को? नॉनसेंस, ऐसे दोस्त का फायदा भी नहीं उठाएगा तो कभी उठा दो। मैं तेरे को नौकरी देते रहे देता रहे सर। गुड मॉर्निंग। शट अप, कर क्या रहे तुम यहाँ पे? सर वो शीना मैडम ने रिकमेंड किया ना सर, वो बबलू के लिए। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेक। बबलू कहाँ है? बबलू पीछे नीचे सर। ओ, ये बबलू है। इससे पहले तुमने कहीं काम किया? घुंगरू लेडीज बार सर। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेक। व्हाट डिड ही से जस्ट नाउ? व्हाट घूं व्हाट? घुंगरू लेडीज बार। घुंगरू लेडीज बार? बेनी, अकल है सर? है सर, वेरी अकलमंद, वेरी। मैं उसकी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हें अकल है? सर, है ना सर? नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर अकल होती तो तुम इस घुंगरू बार वाले को यहाँ पर इस दमिराज में लेकर नहीं आते। लुक एट दिस, दिस ये टाउन मार्केट, ये थर्ड क्लास, ये घुंगरू लेडीज बार वाला, एंड लुक एट अस, द एलीट, द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड क्रीम ऑफ द सोसाइटी। थैंक यू सर। आई मीन, आइंदा अगर तुम इसको यहाँ पर लेकर आए, इसको तो मैं पुलिस में दूंगा। सर, ही इज माय फ्रेंड सर। और तुम्हारी नौकरी जाएगी सर। गेट आउट सर, वहां से नहीं सर। बैक डोर पीछे सर। अगर किसी ने इसको यहाँ देख लिया तो लोग बोलेंगे अय्याशियां चल रही है यहाँ पे, अय्याशियां हो रही है यहाँ पे। Nikhil, I'm still on the line. मैं तेरे को काम देती। चलो। बबलू, सुन। सॉरी बोलने कोई जरूरत नहीं, हमारा समय खराब है, होता है। वो नहीं रे, वो बैक डोर उधर से है। कौन सा डोर? पीछे का दरवाजा उधर से है। चल। अन्ना, क्या हाल हो गया ये बार का? तू चाहे तो ये बार वापस शुरू हो सकता है। मैंने सीनियर इंस्पेक्टर से बात की है, वो चालू करवा सकता है। वो क्या है कि वो थोड़ा वो रंगीली किस्म का आदमी है, जब मूड हो जाए भेज दे रहा लौंडिया यहाँ से, ताकि उनका भी काम हो जाए और तेरा भी काम हो जाए। काम ले, 2 नंबर का धंधा कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग जैसी भड़वागिरी नहीं कर सकता। ये लड़कियाँ डांस बार में अपनी कला बेचकर पैसा कमाती थी, जो तुम लोगों ने बंद करके इन्हें अपना बदन बेचने पर मजबूर कर दिया। अब ये चुपचाप यहाँ खड़े होकर पैसा कमाती है, तुम लोग ये भी बंद कराना चाहते हो ताकि वो रोड पे खड़ी हो जाए? तुम लोग उनसे वही कराना चाहते हो जो वो नहीं करना चाहती। तुम लोग जितनी भी कोशिश करो इनकी रोटी छीनने की, अगर भगवान ने इनके नसीब में 2 रोटी लिखी है ना, तो ये ऑर्केस्ट्रा बार जरूर शुरू होगा। ये क्या रिया, तुम नर्वस हो? जस्ट चिलैक्स, मेरे मॉम डैड एकदम चिल्ड आउट है, तुम्हें उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। प्लीज कम हियर, हैव अ सीट। Hi mom, hi dad. This is Riya. The moment I saw you, main ek hi fantasy mein jee raha hu. Baitho bete. Beta, you got a fantastic choice. Jo tumhari pasand, wo hamari pasand. I want you. What? बेटा, आप क्या लोगी? Nothing, thanks. नहीं नहीं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। 1 लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख रुपए। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, शादी के बाद के तुम लोगों के क्या प्लान्स हैं? You're going to stay independent or with us? वैसे I will prefer you stay with us. मेरे बिजनेस एसोसिएट्स हैं विशाल और संदीप। इफ यू डोंट माइंड मेरी तरफ। एक्सक्यूज मी, मैं जरा वॉशरूम कराती हूँ। मैडम,
मैडम ये आपकी गाड़ी की चाबी। अनगिनत दिल में ख्वाहिशों के अनगिनत दिल में ख्वाहिशों के हुजूम आँख वीरानी पे आँख वीरानी पे हैरान क्यों है ये हर शख्स वो रिया है ना? Yes, madam. What are you doing, madam? रिया। नहीं, please, रिया क्या कर रही हो तुम? What are you doing, रिया? What happened? रिया! रिया, stop it! रिया, आखिर हुआ क्या? बात क्या है रिया? क्यों है शहर ये शहर बियाबां क्यों है यूं हर एक शख्स यूं हर एक शख्स परेशान क्यों है छोड़िए ना कुलदीप जी वो मेरी गलती थी अच्छा आप मुझे आज लंच कराने ले जाएंगे ओ लंच डिनर पे आना पड़ेगा और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव मेरा मन किया तो स्ट्रेट ड्राइव कवर ड्राइव सब खेलूंगा मंजूर है तो हुन दस ठीक है चंपक से कुछ करो ना पैसों की बहुत सख्त जरूरत है दहीसर वाले फ्लैट में मिलती है तो बोल देता हूँ पैसे ये लेडीज बार पुलिस वाले इतना आसानी से चलने नहीं देंगे वो हाल करेंगे पैसा कमाना तो छोड़ घर से बाहर तक का रिक्शा भाड़ा भी नहीं निकलेगा वैसे कई लड़कियां दुबई जा रही है कहो तो तुम्हारा बंदोबस्त कर दूं लेकिन मैं अपने बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ सेठ बच्चे के लिए ही जा है माँ तुझे मालूम है इस लाइन में तेरे 2-3 साल ही बचे है जितना कमा सकती है कमा ले वहाँ जाके डांस कर प्राइवेट क्लाइंट को खुश कर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है ना मिले जिंदगी में खुशी होंठों से छीन ली किसने मेरी हंसी और अब लगे इसकी बस दुआ और अब काम आए ना दुआ और अब लगे इसकी बस दुआ और अब काम आए ना दुआ क्या बात है बेटी क्या हुआ मैं ये सोच रही थी कि हालात इंसान के क्या हालत कर देते हैं मॉम पहले एक तूफान ने हमारी लाइफ बेकार कर दी 26 जुलाई डैड गाड़ी में फंसे रहे पूरी रात नाउ ही इज पैरालाइज्ड व्हीलचेयर पे डैड का चलना क्या बंद हुआ हमारी लाइफ में फुल स्टॉप लग गया मॉम मॉम मेरी स्टडीज रुक गई मॉम मैं कुछ और भी तो बन सकती थी कितना ट्राई किया कहीं और जॉब नहीं मिला बट नाउ एक और तूफान व्हाई अस मॉम डोंट वरी Why me, mommy? Hello? Hello, Isha. कुछ पता चला बार कब खुलेगा? नहीं रे सोनी, कुछ नहीं पता चला. अरे पैसे का बड़ा लोचा है यार. पता नहीं बापू रोज पैसा मांगता रहता है. कहाँ से लाऊं मैं पैसे? ठीक है. हाँ चल ठीक है हाँ दीदा मिराज की प्रोजेक्ट फाइल वाघमरे साहब बस आप क्लियरेंस दे दो तो गोवा में भी एक मिराज खुल जाए ये मिठाई अब ये रहने दो लेगी
भाई मिठाई लेते लेते तो डायबिटिक हो गए हैं हम। भाई इस बार मिठाई नहीं, कुछ मक्खन मलाई चाहिए, क्यों नरेन? अरे हाँ भाई, हमने सुना है आपके होटल में जलवे होते हैं जलवे। अरे भाई कुछ हो जाए हम लोग लिए भी। इस बार फाइल पास करने के लिए ऐसी ही पार्टी चाहिए जिसमें अच्छी अच्छी विस्किया और अच्छी अच्छी लड़कियां हो। दिस इज वेरी रॉन्ग सर, ही इज माय फ्रेंड सर, कैसे मैं उसको एक दोस्त को कैसे बोल सकता सर ये सब काम करने के लिए? जस्ट होल्ड ऑन फॉर सर, दोस्त है ना तुम्हारा सर, और एक दोस्त दूसरे दोस्त की नौकरी बचाने के लिए इतना नहीं कर सकता सर? ही इज अ डियर फ्रेंड सर। आई नो मेरा नौकरी सर खतरे में है। नो पर्सनल वेंडेटा। देखो क्या है, मुझे ऊपर भी दिखाना पड़ता है, जैसे इन दिस केस तुम्हें मुझे देखना पड़ेगा, तुम्हारे दोस्त को तुम्हें देखना पड़ेगा। वी हैव टू सी ईच अदर, यू नो, इट्स लाइक गिव एंड टेक, यू नो। लिसन, अगर ये काम हो गया तो मैं तुम्हारे दोस्त को इसी होटल में बढ़िया सा जॉब दिला दूंगा, और अगर ये काम नहीं हुआ तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। हाँ निखिल बोल। या बोल ना बबलू, बात क्या है? अरे बोल ना यार, बात क्या है यार, चुप क्यों है? कम ऑन मैन, टेल अस। अरे बोल भी अभी। अरे यार वो बेनी है ना, उसके साहब लोग लोनावाला में पार्टी रखने वाले हैं, उन्हें नाचने के लिए डांसर्स चाहिए, नाचने गाने के लिए नहीं, पैसे ठीक ठाक देंगे वो लोग। गुड नो, देखो हमने जो भी कुछ बुरा लगा तो हमें माफ कर दो। अरे पागल, तू काहे को माफी मांग रहा है? तू तो एक जरिया ढूंढ के लाया है हम लोगों के लिए दो पैसे कमाने का। लेकिन पता नहीं कैसा माहौल, कैसे लोग, एक अनजान जगह, डर तो लगेगा ना। अरे यार हम ऐसे खाली भी तो नहीं बैठ सकते ना, घर का खर्चा पानी भी तो उठाने का है। हाँ ईशा, ठीक बोली तू। अरे बबलू हमारा क्या, पहले किस्मत ने हमें बार में लाके खड़ा कर दिया और अब सरकार ने बीच बाजार लाके खड़ा कर दिया। तू ठीक कह रही है सोनी, जो चीज हम नहीं करना चाहते थे आज मजबूरी में वही करना पड़ रहा है। हाथ में कंगन गान में वाली दे ताली रे, चल चुबिली में मत वाली दे ताली रे, हाथ में कंगन गान में वाली दे ताली रे, चल चुबिली में मत वाली सुनियो मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी, तेरे पैरां च आखी रोवे मेरी दुआ ना कोई और मंगदी। घर से चली जो बनके लोगों की नजर में ठनक वेलकम है। वेलकम है। क्या हो रहा है सब?
लोनावाला में आकर पार्टी मना रहे हो? नहीं, नहीं, अबे सालो, तुम लोगों की वजह से लोनावाला का नाम बदनाम हो रहा है। वो सब अंदर है सर, हम लोग इनसे अंदर हैं। अंदर है? हाँ अंदर है ना सर। चलो रे चलो। चल 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 चल। पीछे चल। जब तक साहब नहीं आते ऐसे हिला नहीं। चल। अरे चल 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 चल। अरे चलो साहब मेरे पीछे क्या शिकार है? अरे अरे सोलंकी। अरे मुरे साहब आप यहाँ? ड्यूटी पर हूँ। माजी मंसद। योर ऑनर, 8 जून की शनिवार रात लोनावाला के उस फार्म हाउस में बेनी कुट्टी और बबलू चरण लाठी ने लेडीज बार के इन 6 लड़कियों को सप्लाई किया था। उनको नचवाया और प्राइवेट पार्टी के नाम पर पब्लिक शो करवाया। योर ऑनर, और वहां मौजूद थे गोयल सिन्हा, अश्विन केलकर, महेश सारंग और महेश्वरी अय्यर। नहीं 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 जज साहब, वो ऑफिसर कहाँ है? ये लोग तो कोई और हैं। बबलू चरण लाठी, आप अपना जुर्म छुपाने के लिए अपनी ही पार्टी को पहचानने से मुकर रहे हैं? जज साहब हम सच में। ठीक है, उस वारदात पे मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर सोलंकी को मैं बुलवाना चाहूंगा। जज साहब, उस रात मैंने इन दोनों के साथ इन्हीं 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। योर ऑनर, अब आप ही बताइए, क्या महाराष्ट्र पुलिस पे यकीन करें या इस बबलू चरण लाठी पर जो घुंगरू नाम के एक गंदे घिनौने लेडीज बार में काम करता है, जो एक वैश्या खाने से कम नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? आप हर लेडीज बार को वैश्या खाने से क्यों जोड़ देते? सरकार, हमने वहां काम किया है, वहां लड़कियां अपना अपने परिवार का पेट चलाने के लिए काम करती हैं। वो जगह बदनाम है लेकिन वैश्या खाना नहीं, और ना ही ये वैश्या आए हैं। योर ऑनर, ये तो ऐसे बता रहे हैं कि कोई लेडीज बार में नहीं बल्कि एक 5-स्टार होटल में काम करते हैं। योर ऑनर, 5-स्टार होटल में मिस्टर बेनी कुटी काम करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने दोस्त को भी नहीं बख्शा, खुद के धंधे में इन्हें भी घसीट लिया और खुद की तरह इन्हें भी एक पिंप बना दिया। पिंप किसको बोलता रहे? ये मेरा दोस्त है, पिंप किंप नहीं है रे। पिंप देख ले, तेरे 5-स्टार होटल में देख। नहीं रे, नहीं बाबलू, मैं अभी तक सब कुछ बात छुपा के रखा था रे। मेरे अंदर वो अर्थक्वेक हो रहा है रे। सर, ये जो पार्टी के बारे में बोल रहा है ना, वो हमारा होटल वालों ने ऑर्गेनाइज किया है। ये मिराज 5-स्टार होटल, ये 5-स्टार का सर्टिफिकेट कैसे दिया इन लोगों को मालूम नहीं मेरे को। ये सरकार ने इनको 5-स्टार का सर्टिफिकेट दिया है, वो एक पॉश वो चकाचक तरीके से वैश्या में चलाने के लिए। जितने भी आउटलेट में काम है ना सर, सब होता है इधर। किसी का हस्बैंड किसी और का वाइफ के साथ, वो किसी वाइफ किसी हस्बैंड के साथ, वो मेरे को बोलने को शर्म आता है, लेकिन होता है सर उधर। 2 वीक्स, 2 हफ्ते में मैं, मेरे को मालूम पड़ गया इधर इंसान के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है सर। कम से कम मरा हुआ इंसान के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट होना चाहिए ना सर। वो हमारा होटल के रूम में एक आदमी का ऑफ हो गया सर, वो वेफर खा के। इन लोगों ने उसको जिंदा रखा पब्लिक के लिए, फिर लेके गया उधर नर्सिंग होम में, वहां डिक्लेयर किया कि वो मर गया करके। क्यों बोला सर? सर वो होटल में मर गया ना, होटल का नाम खराब हो जाएगा। होटल का बहुत वैल्यू है सर इधर, इंदर का कोई वैल्यू नहीं है। वो क्या उधर है, वो डिस्को? क्या डिस्को उधर? उधर ड्रग्स का डिस्को होता है, वो लड़की लोग का व्यापार करने का डिस्को होता है उधर। और ये आपको पिंप बोलता है? दो टाइम की रोटी हम लोग ईमानदारी से कमाता रहता है, प्रॉब्लम क्या है रे? हाँ, आपको पिंप किंप नहीं बोलने का रहता है यार, माइंडेड। आई एम बेनी द बेनी, हाँ तेरे को सॉरी बोलने का रे बबलू। मैं अभी लेडीज पर बोल के तेरे को तेरा टांग इतना खींचा रे, मैं खींच खींच के तेरा हाइट भी बढ़ गया रे, इधर तक पहुंच गया, आई एम सॉरी रे। तो ये होता है 5-स्टार में। डोंट वरी, the culprits will be punished. The court is adjourned for today. Next hearing will be on 21st of July. Mr. Negi, what the hell is happening? Benny और बबलू इस केस में कैसे फंस गए? आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो innocent है। शीना, calm down, calm down. मुझे मालूम है Benny innocent है, तभी मैंने मिस्टर शिंदे को बुलाया है। ये इंडिया के टॉप मोस्ट लायर्स में से एक हैं, और Benny हमारा स्टाफ मेंबर है, he is one of us. We'll see to it that he's out of trouble. But Benny के साथ साथ हमें इस होटल की रेपुटेशन ही बचानी है। I hope you understand.
लेकिन अगर अब ये केस मेरा है मिस्टर नेगी, बस सब मैं संभाल लूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। 21 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग में जज साहब के सामने मैंने अगर इस केस को डिसमिस नहीं करा दिया तो मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ दूंगा, बिकॉज सेक्शन 128 और 178 उस पर लागू होता है जो कि विटनेस के सामने लड़कियों को वहां भेजता है, और इस केस में विटनेस एक भी नहीं है। देयरफॉर दिस केस इज नल एंड वॉइड। जैसे मैं आपको कह रहा हूं वैसे ही आप करते जाइए। ठीक है सर। डोंट वरी, 21 जुलाई को तुम लोग बाहर होगे। सेक्शन 127 एंड सेक्शन 111 के तहत बार की तमाम लड़कियों को 6 महीने की जेल सुनाई जाती है, 6 months रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। बेनी कुट्टी और बबलू चरण लाठी ने बार की लड़कियों को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाने के लिए मजबूर किया, लिहाजा इन दोनों को सेक्शन 128 और सेक्शन 278 के तहत 1 साल जेल की सजा सुनाई जाती है, 1 year रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। Thank you. Yeah. Welcome. Good evening, sir. Good evening. Thank you. That way, ma'am. Welcome, madam. Good evening, sir. That Thank way, you. Sir. Thank you. Hello, How sir. You, Welcome to Mirage. Hello. Namaste, bhabhi ji. Namaste, ji. Mr. Hello, Negi. sir. आप सबका इस होटल में एक हफ्ते का complimentary stay. So enjoy yourself. Bhabhi ji, you must try our spa. We have some great massages, yeah? beauty parlor and lots of stuff. Oh, sure. And we have loads of fun for the children, you know. Bada pyara bachcha. Kya naam hai tumhara, beta? Never mind. Take them. Please come. Arya, come on. Sir, aapko kisi bhi cheez ki zarurat hai? Anything. देखो ना, यस सर, मिसेस सहगल ने मिस्टर सहगल को बहुत बुरी तरह से पीटा है। मैं चाहता हूँ कि तुम जमानत के पेपर्स अभी रेडी कराओ, और तुम महेश कुपर हॉस्पिटल जाओ। सहगल साहब कुपर हॉस्पिटल गए मेडिकल करवाने। मेडिकल रिपोर्ट्स को हल्का करो ताकि हम ये केस जीत सके। ए ढापनिया, हाँ तू ए किससे बात कर रही है? कूल, पहचान वाली लगती है। कौन है? सर से कैसे बात कर रही है? भूल गया क्या मेरे को लुखे? अरे तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ हेमा? याद है जो तू डांस बार में आता था और एक बियर की बाटली लेके 3 घंटे तक तारता था मुझे? अरे लेकिन हेमा तुम्हें 10-10 के 10 नोट भी तो देता था ना? हाँ वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन दोस्त तू बदला नहीं बिल्कुल, थोड़ा सा जाड़ा हो गया। अरे नहीं, कोट पहना इसलिए तुम्हें लग रहा है हेमा। और तेरे बाल भी जा रहे ले, कल ही तो कटवाए हैं हेमा। तुम्हारा ये ढापना बहुत बड़ा वकील बन गया है, अमित भल्ला एडवोकेट। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही पुरानी कहानी दोस्त, रेट पड़ गई। बाकी सब लोग तो छूट गए लेकिन बार गर्ल्स की ना तो कोई सुनवाई है और ना कोई इंसाफ। लग गई 6 महीने की। पिछले 15 सालों में ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए कुछ करने का मौका नहीं दिया है, लेकिन अब ये भल्ला मौका हाथ से जाने नहीं देगा। 15 दिन में तुम सब बाहर होगे। सच्ची? हाँ। और सुनो, एक बार फिर से ढापनिया तो कह दो। ढापनिया? अरे शाबाश। आँखियों से कर गई इशारा। फसल सुन, इधर आ। सर, उस आइटम का नाम क्या है? सर, लेफ्ट में राइट में सर? अरे लेफ्ट वाली, लेफ्ट में फेडोरा सर। नंबर क्या है? ये ले 500। सर 98335। आगे 500 के लिए 5 नंबर सर, बाकी आता नहीं, भूल गए सर।
साले शाना है तू तो हाँ? सर वो तो मैं हो गया सर, लॉन्ग स्टोरी सर। आगे का नंबर फिर कौन बताएगा? अरे हम बताएंगे ना सर। बोलो। पैसा तो दो। ये लो। 58551। सर ये कॉम्प्लीमेंट्री सर, गाजर गुड फॉर आइस। वैसे डोंट बी शॉक है, मिराज गिराज छोड़ के मैं बबलू को ज्वाइन किया लास्ट में। एनी आई एम वेरी हैप्पी। वैसे वो मिराज के लोगों का थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता है, वो शीना मैडम है ना, वो मिराज और हस्बैंड दोनों को छोड़ दिया। हस्बैंड आज भी ईएमआई भर रहा है लेकिन खुद का नहीं, वो डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए ईएमआई भर रहा है। उसका वो घर गाड़ी फार्म हाउस सब अभी शीना मैडम के पास है, देखो ना इसलिए तो इतना खुशी खुशी वो फ़ोन पर बात कर रहा है। क्या? नहीं नहीं मैं डोंट मिसअंडरस्टैंड ना, वो मेरे से नहीं बात कर रहा है। एक्चुअली मेरे को मालूम नहीं हुआ कि किससे बात कर रहा है। अपना रिया मैडम जो है वो थोड़ा हैप्पीनेस फाइंड करने का कोशिश कर रहा है, वो आर्ट ऑफ लिविंग है ना, उसमें सांस घीस लेके कुछ एक्सरसाइज करके कोशिश कर रहा है। वो जितना भी गाड़ी गिरी था उनके पास वो सब दान दे दिया, आजकल वो सोशल वर्क में काम करता है। और ये अपना रॉनी कितना खुश लग रहा है ना, उसका प्रमोशन हो गया, वो बेल बॉय से वो वेटर बन गया, होटल में नहीं क्रूज़ में। क्रूज़ मतलब वो क्या बोलते हो, शिप। कभी कभी वो आजकल फ़ोन करता मैं बोलता है हे डैग वाट रे टॉम क्रूज़। लेकिन खुश है अभी वो, वेरी खुश। अभी नेगी वाईसी पोस्ट पे है, वाईसी फ़ोन पे, कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ होटल चेंज हो गया। मडल में एक थोड़ा कम फेमस वाला एक होटल है, दिलकुश लॉजिंग एंड बोर्डिंग नाम है उसका। बाकी क्या है सर, अपना ये फाइव स्टार और लेडीज़ बार दोनों अपना अपना रास्ते में चलते रहता है अपना सिटी में। वो बोलते हैं ना अपना सिटी में कोई भी सिचुएशन है लाइफ गोज ऑन। वैसा बाकी सब एवरीथिंग इज़ हैप्पी नाइस, आई होप यू आर ऑल्सो हैप्पी। थैंकिंग यू योर सिंसियरली, दिस इज़ बेनी हु वाज वंस अपॉन अ टाइम अ बेल बॉय। थैंक यू।